101 साल की दादी बनी 17वें बच्चे की मां, डॉक्टर भी हुए हैरान। मां बनने की महिलाओं में उम्र की सीमा में जो लोग बांधते हैं उन्हें इटली की रहने वाली 101 साल की एक महिला ने गलत साबित कर दिया है। 101 वर्षीय महिला ने बच्चे को जन्म देकर दुनिया के साथ साथ विज्ञान को आश्चर्यचकित कर दिया है। इससे ये बात साबित हो जाती है कि महिलाओं में प्रजनन क्षमता के लिए कोई उम्र की सीमा नहीं होती है। दरअसल बहुत से लोग का मानना है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ महिलाओं में प्रजनन क्षमता भी कम हो जाती है, लेकिन इस बात को इटली की 101 साल की महिला ने बच्चे को जन्म देकर गलत साबित कर दिया है। महिला ने एक 9 पाउंड के बच्चे को जन्म दिया है। इस खबर के बाद चिकित्सा जगत में इसकी आलोचना भी की गई। इसकी वजह थी कि महिला की परिपक्व उम्र के बावजूद अंडाशय प्रत्यारोपण। तुर्की में एक निजी क्लिनिक में डॉक्टर एलेक्जेंड्रो पोपोली की द्वारा इस महिला के अंडाशय प्रत्यारोपित किया गया। इस प्रत्यारोपण ऑपरेशन के बाद बहुत सारे विवादों ने भी जन्म लिया, क्योंकि यह यूरोपीय कानूनों के तहत अवैध माना जाता है। मां बनी अनातोलिया वहर चांडेला अपने 17वें बच्चे फ्रांसिस्को के जन्म को भगवान का आशीर्वाद मानती हैं। उन्होंने बताया कि 16 बच्चों को जन्म देने के बाद वे 48 साल की उम्र में खुद को डिम्बग्रांथि कैंसर के वजह से बेकार और दंडित महसूस करती थी, लेकिन एक बार फिर से मां बनने के बाद वे खुद पर गौरव महसूस कर रही हैं।